एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं श्री सत्यमेव आंवला पाउडर का रिव्यू कर रही हूँ। यू कैन सी दिस इज़ द पैकेट, और इसके अंदर आया था आंवला पाउडर, जिसको मैंने अपने बहुत सारे हेयर मास्क में आपको मिक्स करते हुए दिखाया भी है। बात करूँ बेसिकली इस प्रोडक्ट की, तो ये है इंडियन गूसबेरी, जो कि 200 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड 450 रुपए का है। यू कैन सी हियर दोस्तों, लेकिन ये आपके बालों को बनाता है सुपर सॉफ्ट, हेल्दी, नरिशिंग एंड शाइनी। अगर आप इसे हिना में मिक्स कर लेते हो तो आपके बालों में बहुत ही सॉफ्ट सा ब्राउन, ब्लैकिश, रेडिश शेड आता है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सारे लोग इसे स्किन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ हेयर्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैं इसी विषय में बात करूँगी। और बात करूँ इस प्रोडक्ट की, तो बहुत बार मिक्स करने के बाद भी ये वन टाइम यूज़ के लिए अभी भी इसमें प्रोडक्ट बाकी है, और 450 रुपीज़ में आपको बहुत ही सही 200 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है। अगर आप 20 ग्राम भी एवरी हिना पैक में मिलाते हो, तभी भी आपको बहुत दिन चलने वाला है। एंड दिस इज़ जस्ट वंडरफुल प्रोडक्ट, क्योंकि आंवला जो है, मतलब आंवला जो है वो बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत हेल्दी बनाता है। जैसे कि जिन लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे होते हैं, उनको आंवला खाने को भी बोलते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स। और अगर आप आंवला खाने के साथ लगा रहे हो अपने बालों में, अगर आप फ्रेश आंवला अवेलेबल नहीं है, तो आप उसका ये पाउडर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेजिटेरियन प्रोडक्ट एंड इसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, तो आपको ज़रूर से ये ट्राई करना चाहिए। किस तरीके से आप मेहंदी में मिला सकते हैं, आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं रारा और इंडियन यूट्यूबर रारा पे, कि मेहंदी में किस तरीके से मिलाएं। इसके बहुत सारे, इसी ब्रांड से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, उनके रिव्यू आपको वन बाय वन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बात करूँ इसी प्रोडक्ट की, आंवला पाउडर की, तो हर बार मैं इसको अपने हेयर मास्क यानी कि हिना में मिलाती हूँ, और मेरे बालों में बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर आ जाता है। आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ब्लैक एंड दिस इज़ द ब्लैकिश ब्राउन, विच इज़ वेरी गुड। बहुत खूबसूरत कलर लगता है धूप में भी, और हल्का सा धूप में ना रेडिश बर्गंडी टाइप का शेड आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई हेयर कलर लगा लिया है, बट नहीं, हिना से बाल ज़्यादा हेल्दी और कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट आंवला जो है वो भी आपके बालों में बहुत अच्छी कंडीशनिंग देता है। उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ये ज़रूर ट्राई करें। दिस इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन अमेज़ॉन पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर। ज़्यादातर जब भी ऑफ चलता है तो आप तब ख़रीदें, तो आपको ये 450 से कम का पड़ जाएगा। एंड शायद इसका मिनी पैक भी आता है 350 वाला, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और एज सच इसके पैकिंग के बारे में मैं ये कहूँगी कि इसी तरीके के पैकिंग में ही आता है। अच्छी लगी मुझे, बहुत सिंपल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकिंग है। अगर आप इसे ट्रैवलिंग में भी ले जाना चाहते हैं, तो अगर आपने ये ओपन कर लिया है, तो आप इस तरीके से इसमें क्लिप लगा कर इसे सिक्योर कर सकते हैं। बहुत अच्छा आंवला पाउडर है, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है, और आप ज़रूर से अपने मेहंदी पेस्ट में मिलाएं, या फिर आप खाली भी इसको मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो, इसका पेस्ट बना के, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो। यदि आपको और भी बहुत सारे ड्राई पाउडर्स के बारे में जानना है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड मैं बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यू करूँगी इसी ब्रांड से, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट उन्हें इस्तेमाल कर चुकी हूँ इसलिए। और इस ब्रांड से आपको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में ही प्रोडक्ट मिलेंगे, विच इज़ वेरी गुड। और ये है शेड नंबर 13 जो मैंने लगाया है। दिस इज़ एन वाई बे सुपर मैट लिपस्टिक किलकेट। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, और इसे बच्चे, बड़े सभी लोग लगा सकते हैं। इनफैक्ट टीनेजर सब लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंवला जो है वो एक हर्ब है। जी हाँ।